जय भोलेनाथ दोस्तों। शुक्रवार 4 तारीख, 4th अक्टूबर फ्राइडे, और अभी सुबह की 7:25 हुई है। नाउ इट्स मॉर्निंग 7:25 AM, 4th अक्टूबर 2019 एंड इट्स फ्राइडे। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो लेवल्स दिखा देता हूँ जो कल कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था आज के लिए, तो उनको तो आपको देखना ही है बिल्कुल। तो लेट अस रिकैप द लेवल्स फर्स्ट, हम लोग वो लेवल्स फिर से देख लेते हैं। तो ये निफ्टी के लिए लेवल्स थे कल जो मैंने दिए थे। अगर 11,350 के ऊपर चले निफ्टी, स्पॉट स्पॉट निफ्टी अगर 11,350 के ऊपर चले 15 मिनट या ज़्यादा, तो आप इसको बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस 11,288 और टारगेट 11,500 या ज़्यादा। और नंबर टू, दूसरा सिनेरियो फ्राइडे में, अगर निफ्टी 11,200 288 के नीचे चले, 11,288 के नीचे चले 15 मिनट या उससे ज़्यादा, तो आप इसको सेल कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 11,350 स्पॉट, टारगेट ओपन टिल 3:25 PM। और ये दोनों इंट्राडे ही लेवल्स है, नॉट पोजिशन। ये हो गया निफ्टी का रिकैप, इसलिए कर देता हूँ कि आदमी अभी रात को क्या खाया उसको याद नहीं रहता, तो कल 3:30 बजे क्या वीडियो देखा उसको कहाँ याद रहेगा। तो ये बैंक निफ्टी का भी लेवल नोट कर सकते हो आप। फॉर फ्राइडे बैंक निफ्टी स्पॉट को बाई करना है इफ़ ट्रेड्स अबव 28,601, इफ ट्रेड्स अबव 28,601 फॉर 15 मिनट्स और मोर। स्टॉप लॉस विल बी 28,320, टारगेट विल बी 29,500, सेकेंड टारगेट विल बी 30,000 और मोर। और दूसरा सिनेरियो बैंक निफ्टी में, फॉर सेल बैंक निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स बिलो 28,320 फॉर 15 मिनट्स और मोर, स्टॉप लॉस 28,601, टारगेट ओपन टिल 3:25 PM। तो ये हो गया सिनेरियो की बात। अब आ जाते हैं हम, आज क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है आज तारीख 4 है, टुडे इट्स 4th अक्टूबर। और 4 का अंक न्यूमरोलॉजी में राहु का होता है। किसका होता है? राहु का। तो राहु इज नोन फॉर गिविंग सरप्राइजेस, राहु इज नोन फॉर गिविंग सरप्राइजेस। तो अभी पिछले 4 दिनों से क्या हो रहा है, निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। रोज रोज रेड क्लोजिंग कर रहा है पिछले 4 दिनों से, 1, 2, 3 और 4। लेकिन कल क्या हुआ, कल इसने डाउन क्लोजिंग जरूर दी लेकिन एक डोजी बना दिया, और इस इंटरेस्टिंगली मंगलवार के लो से ऊपर का लो बनाया 10 पॉइंट। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। और दूसरा, आज फ्राइडे है, राहु का डेट है। राहु के डेट के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बोला था, 2-4 वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, काफ़ी वीडियो में बोल चुका हूँ कि राहु की डेट जब भी होती है या तो वन साइडेड इतनी शार्प रैली होगी और सरप्राइज कि हो सकता है 200 पॉइंट भी निफ्टी बढ़ जाए, तो आप सोच भी नहीं पाओगे सरप्राइज, क्योंकि 4 दिन से हम नीचे का ट्रेंड देख रहे हैं। दूसरा सरप्राइज होता है फर्स्ट हाफ में तेजी, सेकेंड हाफ में पूरा रिवर्स। और तीसरा सरप्राइज होता है फर्स्ट हाफ में मंदी, सेकेंड हाफ में पूरा रिवर्स। तो ये 3 सिनेरियो रहते हैं राहु की, और मुझे आज लगता है फर्स्ट सिनेरियो होगा वन साइडेड तेजी हो सकती है आज, जो कि सरप्राइज भी करेगी। और प्लस कल डोजी बना निफ्टी में बकायदा डेली चार्ट में। और तीसरा, आज क्रेडिट पॉलिसी भी है और डेफिनेटली रेट कट तो आने वाला है 25 बेसिस पॉइंट का, लेकिन हो सकता है 40 BPS भी काट दे, क्योंकि इकोनॉमी में अभी दरकार है। तो ये 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम हो सकता है कि रेट कट आए निर्मला सीतारमण, RBI गवर्नर साहब के साथ द्वारा, शक्तिकांत दास जी से, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चौथा, आज मैं PSU बैंक में स्पेशली आज बुलिश हूँ, PSU बैंक्स पे मैं पर्सनली स्पेशली वेरी बुलिश हूँ आज। तो मैं आज SBI को बाई करके खेलूँगा पर्सनली, लेकिन ये आपके लिए कोई कॉल नहीं है, बस मैं अपनी राय दे दिया। ये सारी बातें, मुझे आज पर्सनली तेजी लग रही है, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। तो आप वही लेवल्स जो मैंने बताया, लेवल्स को ध्यान में रखिए। और आज इम्पॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा भी रह सकती है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए स्टॉप लॉसेस तो आप हमेशा स्ट्रिक्ट रखिए,
स्टॉप लॉस से तो आप जीवन में एक मूल मंत्र बना लीजिए, जहाँ स्टॉप लॉस हो गया उस दिन स्क्रीन टर्मिनल बंद कर दीजिए, क्योंकि लालच में आप दोबारा डबल ट्रेड करते हो वहीं मार खाते। एक दिन हार गए तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बस ये समझ लेना, और एक ही दिन से जिंदगी भी खत्म नहीं होगी, हर एक दिन नया आएगा आपके पास। तो ये देखिए सीखिए, और यही मेरा गुड मॉर्निंग व्यू आज का। पर्सनली आई एम ऑन द बुलिश साइड, बट यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लेवल्स आई हैव गिवन यस्टरडे वीडियो में, जो मैंने दिया था, जो मैंने आपको रिकैप भी कर दिया। तो आई एम डूइंग माई ड्यूटी, सो ऑनेस्टली तो आपकी ड्यूटी एक ही है, बस लाइक के बटन दबा दीजिए, इतने दबा दीजिए कि लोग शर्मिंदा हो जाए कि यार इसको इतने लाइक्स कैसे मिल रहे हैं। बस मैं आपके लिए तैयार हूँ, और अभी 15 मिनट बाद एक ऐसा वीडियो डालने वाला हूँ, एक और स्ट्रेटेजी का वीडियो डालने वाला हूँ, उसको देखना मत भूलिएगा, इट विल बी ए ह्यूज। कल रात को 4 बजे तक उसके लिए मैं दिमाग लगा रहा था, तो एक नई रिसर्च खोज के लाया हूँ आप लोगों के लिए। रात को 4 बजे तक, यानी कि मैं सुबह सोया हूँ आज 4 बजे के बाद, और सोया ही नहीं हूँ बल्कि 4 बजे सोया तो 6 बजे उठ गया, तो रिसर्च कंप्लीट 4 बजे हुई थी सुबह। तो ये आपको पता चल जाएगा कि मैं आपके लिए क्यों कर रहा हूँ इतना, और वो पब्लिकली क्यों डालता हूँ यूट्यूब में, ताकि जो भी मेरा वीडियो फॉलो करे, वो चाहे मेरा दुश्मन भी हो, वो मुझसे प्यार करने लग जाए, ताकि ये सच्चा इंसान है, ये आदमी हम लोगों का सोच रहा है। आप मेरी ट्रेनिंग में आते हो नहीं आते हो, इट डजंट मैटर टू मी, आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली। आप आते हो, यू विल गेट मोर थिंग्स डेफिनेटली, एंड ईच एंड एवरी न्यू ट्रेनिंग विल बी बेटर देन द प्रीवियस वन, दैट इज माई गारंटी ऑन यूट्यूब। ठीक है, जो पिछली ट्रेनिंग अभी हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इंदौर में, उससे बेटर अब मुंबई में जो होगी, डेफिनेटली उससे बेटर होगी। उसके बाद भुवनेश्वर में जो 3 नवंबर को होगी, 19 अक्टूबर को मुंबई में, 3 नवंबर को जब भुवनेश्वर में होगी, वो मुंबई वाली से भी बेटर होगी, और उसके बाद 9 नवंबर को जब बेंगलोर में होगी, वो भुवनेश्वर वाली से भी बेटर होगी। और उसके लिए मैं रोज़ लगा रहूँगा रिसर्च के लिए, और ट्रेनिंग में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, बिना बात के व्हाट्सएप और बिना बात के फ़ोन तो बिल्कुल मत करो, फ़ोन करोगे मैं ब्लॉक करूँगा, फ़ोन करते ही मैं ब्लॉक करूँगा, इसलिए हो सकता है मैं अपना नंबर ही चेंज कर डालूँ किसी का, और फिर नंबर डालना ही बंद कर दूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो मेरी लाइफ को समझो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, यूट्यूब में सब कुछ दे रहा हूँ। अब सोचो रात को 4 बजे तक जागा हूँ, एक तो मैं डेंगू से ऑलरेडी आपको पता ही है, उसके बावजूद इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जो फॉलोअर्स है उसको 1 रुपये का लॉस नहीं लगे, दैट्स माई विश, और ये दिल से मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए। आप मुझे धन्यवाद दो या नहीं दो, लेकिन लाइक के बटन दबा के आप अपना समर्थन दे सकते हो, और आप मेरे दुश्मन भी हो, विरोधी भी हो, तो भी आप देखना एक सच्चे दिल से कि मैं क्या करूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।